नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी फौजी भाइयों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। तो आज भी आपका एकदम शानदार सा लाइव क्लास होगा, और आज का लाइव क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंडियन आर्मी एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। आप लोग को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो हड़प्पा की खोज जो किया गया था वो राम साहनी के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदारो की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो मोहनजोदारो की खोज जो किया गया था वो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, और लोथल की खोज जो किया गया था वो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे दो नंबर क्वेश्चन की, और दो नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पूछा है कि इन विच स्टेट इज द थार डेजर्ट लोकेटेड, यानी कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित होता है, आप लोग को बताना है। तो थार मरुस्थल जो स्थित होता है आपका राजस्थान में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोगों ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया, यानी कि बुल्गारिया की राजधानी कहां होता है। आप लोगों को जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़ना है और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो बुल्गारिया की राजधानी जो होता है वो आपका सोफिया में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि अल्बानिया की राजधानी कहां पर है, तो अल्बानिया की राजधानी जो होता है वो आपका तिराना में होता है, और रूसिया की राजधानी जो होता है वो जगरेब होता है, और यूनान की राजधानी जो होता है वो एथेंस होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे चार नंबर क्वेश्चन की, और चार नंबर क्वेश्चन पूछा है हु इज कॉल्ड साउथ ब्रिटेन, यानी कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। आप लोग को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो दक्षिण का ब्रिटेन जो कहा जाता है वो न्यूजीलैंड को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो मोतियों का द्वीप जो कहा जाता है वो बहरीन को कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे पांच नंबर क्वेश्चन की, और पांच नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन विच स्टेट इज नंगा पर्वत पीक, यानी कि नंगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित होता है। आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो नंगा पर्वत चोटी जो होता है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ जाता है कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में होता है, तो नंदा देवी जो होता है वो उत्तराखंड में होता है, और कंचनजंगा जो होता है वो सिक्किम में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि अनामुदी जो होता है वो किस राज्य में स्थित होता है, तो अनामुदी पर्वत जो होता है वो केरल में स्थित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे छह नंबर क्वेश्चन के, और छह नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड, यानी कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित होता है। जल्दी से बताना है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित होता है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो स्थित होता है वो कानपुर में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि वानखेड़े स्टेडियम कहां पर स्थित होता है, तो वानखेड़े स्टेडियम जो होता है वो मुंबई में स्थित होता है, और ईडन गार्डन जो होता है वो कोलकाता में होता है, और स्वाई मानसिंह स्टेडियम जो होता है वो जयपुर में स्थित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं सात नंबर क्वेश्चन की, और सात नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ब्राजील, यानी कि ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है। आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो फुटबॉल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो बैडमिंटन होता है, और स्कॉटलैंड का जो होता है वो रग्बी फुटबॉल होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे आठ नंबर क्वेश्चन की, और आठ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच कंट्रीज है ब्रह्मोस मिसाइल, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों की है। आप लोगों को बताना है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो किन दो देशों की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर से, यानी कि भारत और रूस का ब्रह्मोस मिसाइल है। इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नौ नंबर क्वेश्चन की, और नौ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि फ्रॉम विच बुक इज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम टेकन, यानी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। आप लोगों को जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो लिया गया है वो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि रामायण पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामायण पुस्तक जो होता है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की, और 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज गार्डन सिटी कॉल्ड, यानी कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताना है। तो बगीचों का शहर जो कहा जाता है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ जाता है कि महलो प्रसादों की नगरी किसे कहा जाता है, तो महलो प्रसादों की नगरी जो कहा जाता है वो कोलकाता को कहा जाता है, और देखिए भारत का हॉलीवुड जो कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो झीलों का नगर जो कहा जाता है वो उदयपुर को कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, और 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आप लोग को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन पूछा गया 2020 के एग्जाम में, जल्दी से
बता रहा है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया है वो पंडित मदन मोहन लाल बीए के द्वारा किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना जो किया गया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किसने किया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना जो किया गया था वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है आप लोग को बताना है। तो लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड जो होता है वो आपका होता है सहारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है, तो सहारा मरुस्थल जो होता है वो अफ्रीका में स्थित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन, यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम न्यूनतम एज जो होनी चाहिए वो आपका 25 वर्ष होना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और राज्यसभा को जो होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे भारतीय सेना से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, जल्दी जाइए वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको ऐसे ही रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहेंगे, आपको इंडियन आर्मी की तैयारी एकदम अच्छे से कराते रहेंगे। तो जल्दी जाइए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थे, यानी कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली महिला गवर्नर जो थी वो सरोजनी नायडू थी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला भारतीय जो थी वो आरती शाह थी। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब तक क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन गंगा नदी के किनार पर स्थित है, आप लोग को बताना है इन चारों में से कौन है जो गंगा नदी के किनार पर स्थित होता है, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर जो होता है वो गंगा नदी के तट पर स्थित होता है। बात कर ले आगरा की, तो आगरा जो होता है वो यमुना नदी के तट पर स्थित होता है। और दिल्ली भी जो होता है वो यमुना के तट पर ही स्थित होता है। और लखनऊ जो होता है वो गोमती नदी के तट पर स्थित होता है। इसको ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ आप लोग का जीके का पार्ट खत्म हुआ। बढ़ेंगे हम लोग जनरल साइंस की तरफ। तो देखिएगा जनरल साइंस का 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है, NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि NaCl निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र होता है, आप लोगों को बताना है जल्दी से। तो NaCl जो होता है वो आपका नमक का होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका Na क्या NaHCO3 होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका HGS होता है, HGS। इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु डिस्कवर प्रोटोन, यानी कि प्रोटोन की खोज किसने की थी, आप लोगों को जल्दी से लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताना है कि प्रोटोन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो प्रोटोन की खोज जो किया गया था वो आपका रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया गया था वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और न्यूट्रॉन की खोज जो किया गया था वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो रेडियो धर्मिता की खोज जो किया गया है वो हेनरी बैक वेरल के द्वारा किया गया है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा है, विच ग्लैंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्त दाब नियंत्रित कौन ग्रंथि करता है, आप लोगों को बताना है। तो रक्त दाब नियंत्रित जो करता है वो आपका पीयूष ग्लैंड करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इन विच सेल इज स्टडी, यानी कि कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो कोशिका का अध्ययन जो किया जाता है वो साइटोलॉजी में किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हिस्टोलॉजी में जो होता है वो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, पूछा है कि व्हाट इज द गैस नॉर्मली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि विद्युत बल्ब में सामान्यता भरी जाने वाली गैस कौन है। जल्दी से आप लोगों को राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताना है। तो विद्युत बल्ब में सामान्यता भरी जाने वाली गैस जो होता है आपका आर्गन होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा होता है, तो वायुयान के टायरों में जो होता है वो हीलियम गैस भरा होता है। इसको
भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज बोन डिजीज, यानी कि किस विटामिन की कमी से अस्थि रोग होता है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन डी की कमी से जो होता है आपका अस्थि का रोग होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन होता है, आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र जो होता है वो आपका अल्टीमीटर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा का वेग मतलब कि हवा का वेग जो होता है वो किससे नापा जाता है, तो हवा का वेग जो होता है वो एनीमोमीटर से नापा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समुद्र की गहराई किससे नापा जाता है, तो समुद्र की गहराई जो नापा जाता है वो फैदोमीटर के द्वारा नापा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विथ होम इज डिफ्टेरिया डिजीज रिलेटेड, यानी कि डिफ्टेरिया रोग का संबंध किससे जुड़ा है, आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो डिफ्टेरिया रोग का संबंध जो होता है वो आपका कंठ से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीलिया रोग का संबंध किस अंग से होता है, तो पीलिया का जो होता है वो यकृत से होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार, लाजवाब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हाट टेंपरेचर इज मिल्क पाश्चराइज, यानी कि दूध को किस ताप पर पाश्चराइज किया जाता है, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चराइज किया जाता है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, यानी कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, आप लोगों को बताना है। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है आपका 21% होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% होता है और ऑर्गन की जो मात्रा है वो 0.93% होता है, आपको पता होगा। तो इसी साथ आप लोगों का 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट पेपर खत्म हुआ। अब आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बताना है। आप लोगों से पूछा है कि ध्रुव तारा किस दिशा की ओर संकेत करता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको कल मिलेंगे एकदम शानदार सा वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।